नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नया ठिकाना मिल गया है। जी हां, केजरीवाल का नया घर फाइनल हो गया है। कहा जा रहा है कि केजरीवाल एक से दो दिनों में सीएम आवास खाली कर देंगे और अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ही एक घर की तलाश की है और उसी में वे शिफ्ट होंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से अपने नेता के लिए ऐसे स्थान की तलाश की जा रही थी जो न केवल उनके काम के लिए सुगम रहे बल्कि उन्हें यात्रा करने में भी कोई परेशानी ना हो और शहर के हर कोने तथा उसके निवासियों से जुड़े रह सके। देखिए पूरी रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दो दिन में मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कहा जा रहा है कि वह दो दिन के अंदर मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को खाली कर देंगे और नए घर में शिफ्ट होंगे, जहां अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना नई दिल्ली में उनकी विधानसभा में होगा। इसका चुनाव कर लिया गया है, वो जल्द ही वहां अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा ही था कि वह श्राद्ध पक्ष समाप्त होने और नवरात्र शुरू होने के बाद दिल्ली सीएम का आवास छोड़ देंगे। वहीं उनके पार्टी के विधायकों, पार्षदों, कार्यकर्ताओं के अलावा कई सामाजिक लोगों ने भी पूर्व सीएम केजरीवाल के लिए आवास की पेशकश की थी, लेकिन केजरीवाल का कहना था कि वे ऐसी जगह रहेंगे जहां से उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलने में सहूलियत हो। बता दें, राजनीति में आने से पहले केजरीवाल उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के कौशाम्बी में रहते थे। साल 2013 में वे पहली बार दिल्ली के सीएम बने थे और फिर तिलक लेन में एक बंगले में वे रहे। मई 2015 में दूसरी बार दिल्ली के सीएम बनने के बाद वे फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित सीएम आवास में रहने लगे। जंतर मंतर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि एक दशक से अधिक समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अभी तक शहर में अपना घर नहीं खरीदा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।